और आप सारे नांगल चौधरी से? हाँ, नांगल चौधरी विधानसभा से। हाँ जी, बताओ नांगल चौधरी में क्या है? वहाँ मंजू चौधरी चौधरी मूलाराम भाई अभय सिंह का जोड़ है वहाँ। अच्छा, एक तरफा है बिल्कुल। ओके, हाँ, और दिग्विजय की जोड़ी फिट नहीं, सुपर हिट है वहाँ से। इस बार है जेजेपी वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हिट नहीं सुपर हिट है वहाँ से, बिल्कुल 100%। युवाओं के दिलों पे राज करते हैं भाई अभय चौधरी। ओके, हाँ जी, तो जेजेपी की ताली खोलेगी? बिल्कुल ताली नहीं जी, पूरी बिल्कुल 100 के 100 है वहाँ। 100 के 100। हाँ, आपका शुभ नाम? गोवर्धन गुजर। आप कहाँ से आए हैं? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ में जी, महेंद्रगढ़ में जेजेपी का क्या प्रभाव है? बहुत जोरदार प्रभाव है, और महेंद्रगढ़ में इतना युवाओं को इतना जोश है। हाँ, कि 103 गाड़ियां तो बसें आई है। हाँ, और अलग से गाड़ियों की लाइन लगती आई है। क्या आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ में जेजेपी का खाता खुलेगा? खाता नहीं, बहुत जोरदार खाता खुलेगा, और महेंद्रगढ़ में जितनी सीटें हैं वो सारी की संभावना है। बहुत जोरदार तरीके से, मतलब भीड़ इस तरीके से आई है कि महेंद्रगढ़ से और यहाँ तक लाइन गाड़ियों की टूटी नहीं है। आपका शुभ नाम? विपिन यादव, युवा जिला अध्यक्ष रेवाड़ी। रेवाड़ी से जी। रेवाड़ी में बताओ पार्टियां क्या माहौल है? रेवाड़ी में हम एक तरफा जीत रहे हैं जी, बावल और कोसली दोनों विधानसभा सीटें हम एक तरफा जीत रहे हैं। तो आपको उम्मीद है ये गठबंधन में रहा तो आपके खाते में आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे जी, आपकी बार भाई दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इतना माहौल क्यों है जेजेपी ने, ऐसे क्या काम किए? युवाओं को 75% रोजगार, पेंशन, 50% महिलाओं को आरक्षण, जो भी वादे किए थे 60% भाई दुष्यंत चौटाला जी ने 10 सीटें होते हुए भी पूरे किए। दिल्ली में आप हर तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं कि कितनी लाखों की संख्या में जो जनता आई हुई है, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 के अंदर जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला के आगे वो ऊपर हटकर पूरा मुख्यमंत्री रह जाएगा। मैं जींद से हूँ, जिला परिषद वार्ड नंबर 15 से अभी अभी न्यू मेंबर बना हूँ, जिला जेजेपी का प्रेस प्रवक्ता भी हूँ। फिलहाल गुजर, युवा जिला प्रधान जेजेपी महेंद्रगढ़। आज जेजेपी का स्थापना दिवस के ऊपर जिस प्रकार की भीड़, जनता का प्यार भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दिग्विजय चौटाला को मिला है, भाई दिग्विजय सिंह दुष्यंत की नीतियों के ऊपर हरियाणा सरकार के अंदर जितने काम हुए हैं, चाहे युवाओं को 75% रोजगार देने का मामला हो, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का मामला हो, या जो भी मामले युवाओं से जुड़े हुए मामले हो, या प्रदेश के हितों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो दुष्यंत चौटाला दिग्विजय की नीतियाँ हैं, आज उसका प्रमाण आज आप इतने भारी जनसमूह देख रहे हैं। लोगों का प्यार दुष्यंत दिग्विजय को मिल रहा है, और मैं तो इस पूरे प्रदेशवासियों को इस अपार समर्थन देने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं, और एक ही बात कहता हूं कि दुष्यंत दिग्विजय जब तक हैं युवाओं के हित कभी भी हरियाणा के अंदर असुरक्षित नहीं रहेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप है जी। आप कहाँ से आए? नांगल चौधरी विधानसभा से, भाई वैसे की युवा टीम के सदस्य हैं। आप बताओ जेजेपी क्या युवाओं के मुद्दों को पूरा कर पाई है? युवाओं के 75% मुद्दा हो चाहिए उसको पूरा करने में जेजेपी ने जो मुद्दा किया था उसको 100% लागू किया, और युवाओं का मेन तो मुद्दा रोजगार का ही, उस रोजगार में 75% आरक्षण देने का काम ये युवा डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला ने पूरा किया, इसलिए हम युवा इनसे दिन रात इनकी सेवा में लगे रहेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी वोट के लिए हम युवाओं को जोड़ते रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है संदीप चौधरी। संदीप जी, पूर्व विधायक मलोराम जी का लड़का हूँ, नारनौल से। अच्छा जी जी, आप बताओ कि जेजेपी 4 साल में कितना मजबूत हो पाई, हरियाणा में किस पोजीशन पे खड़ी है? आज अगर चुनाव करवा दो तो हमारे 50 से 55 सीट आ सकती हैं आज हरियाणा में। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई भविष्य है नहीं, और दुष्यंत भाई साहब ने जो काम किए हरियाणा प्रदेश में वो आप देख सकते हो, 75% रोजगार हो, ची महिलाओं की 50% हिस्सेदारी हो। आप दक्षिण हरियाणा से हैं, दक्षिण हरियाणा में जेजेपी का किस तरह क्या प्रभाव है? दक्षिण हरियाणा में आज जेजेपी के ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 विधायक बन सकते हैं अगर आज आप चुनाव करवाते हो तो। जी 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 जी, क्या कारण है ये इतनी लोकप्रियता जेजेपी की वहाँ पर? युवाओं की पार्टी है, युवाओं का दिल है इस पार्टी के ऊपर जी, इसी कारण। ओके, आप क्या करते हैं? मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी पॉलिटिशियन है। आप? मैं शुभ नाम सुनील अटेला जी, डिस्ट्रिक्ट। क्या बताओ जेजेपी का क्या माहौल है आपके दादरी में? दादरी डिस्ट्रिक्ट के हमारे दो हल्के हैं, बाड़ा और दादरी। बाड़ा से माता नैना सिंह चौटाला फिलहाल एमएलए है, और दादरी में हमारी पार्टी की सेकंड पोजीशन थी, अब की बार हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं जी। और यूथ में क्या माहौल है जेजेपी? यूथ का आप देख रहे हो गाँव में, अब जो सरपंच का इलेक्शन हुआ बीडीसी जिला परिषद, तकरीबन सरपंच अपनी पार्टी के जीत करके आए हैं, और बीडीसी के भी और जिला परिषद के।